दोस्तों कुछ समय पहले ही YouTube पर KGF चैप्टर 2 का टीजर लॉन्च किया गया है, जहां फिल्म के इस टीजर ने 24 घंटे में ही 75 मिलियन पार कर लिए हैं, जो एक काफी बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। इस टीजर में फिल्म के सभी किरदारों के लुक को दिखाया गया है, जहां इस फिल्म में हमें रॉकी भाई के साथ साथ फिल्म के विलन अधीरा का किरदार भी देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर हर कोई इस किरदार को पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता संजय दत्त की तारीफ ही करे बिना खुद को रोक ही नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि KGF चैप्टर 2 में अधीरा का किरदार निभाकर दर्शकों से वाहवाही लूट रहे अभिनेता संजय दत्त अपने इस फिल्म और इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे? जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये किरदार इन तक पहुंचने से पहले कई और बॉलीवुड के अभिनेताओं को नसीब होने वाला था, लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही इस किरदार को कई अलग अलग कारणों से रिजेक्ट कर दिया, और यही वजह है कि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको KGF चैप्टर 2 में अधीरा के इस रोल को रिजेक्ट करने वाले अभिनेताओं और उनके इस रोल को रिजेक्ट करने के पीछे के कारणों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से हैं वो अभिनेता और क्या है उनकी वजह, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही साथ इस अभिनेता संजय दत्त के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर एक, रजनीकांत। जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमार है अभिनेता रजनीकांत का, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपना एक जाना माना नाम और अपनी पहचान बनाई है, और यही वजह है कि इन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन वही बात करें उस वजह की जिसके चलते इन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया, तो इसकी वजह है रजनीकांत की तबीयत। जी हाँ, जिस वक्त रजनीकांत को ये रोल ऑफर किया गया था, तो उन्होंने इस फिल्म को ये कहते हुए मना कर दिया था कि डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल काम करने से मना किया है, और यही वजह है कि वो इस दमदार किरदार को कर पाने में असमर्थ है। नंबर दो, सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी भी इस लिस्ट में अपना नाम शुमार करते हैं, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी कई फिल्में देकर अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुके हैं। इसी के साथ बात करें उस वजह की जिसके कारण इन्होंने इस दमदार रोल को करने से रिजेक्ट कर दिया, तो वो वजह है कि जब सुनील शेट्टी को इस फिल्म की कहानी और इस रोल के बारे में बताया जा रहा था, तो सुनील शेट्टी इस रोल को नहीं बल्कि रॉकी के रोल को करने के लिए एक्साइटेड हो गए, जिसके लिए फिल्म मेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थे, और यही वजह है कि इन्हें इस रोल से भी हाथ धोना पड़ा था, और ये रोल जाके संजय दत्त की झोली में गिर गया। नंबर तीन, सनी देओल। इस कड़ी में तीसरा नाम अभिनेता सनी देओल का शामिल है, जो कि काफी लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं, और यही वजह है कि कोई तो अच्छी फिल्म और रोल ऑफर हो जिसका ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब फिल्म मेकर्स ने इन्हें इस दमदार रोल के बारे में बताया, तो सनी देओल को ऐसा लगा कि ये रोल इन पर बिल्कुल भी फिट बैठना नहीं दिख रहा था, और जिसके चलते इन्हें इस फिल्म में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, जिसे रिजेक्ट करते हुए इन्होंने इसे संजय दत्त की झोली में डाल दिया। नंबर चार, आमिर खान। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी में एक नाम अभिनेता आमिर खान का भी शुमार है, और जैसा कि इस बात से तो हर कोई वाकिफ ही है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट हर काम को बड़ी ही परफेक्टली करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपनी हर एक फिल्म को अपना पूरा पूरा समय देते हैं, और यही वजह है कि जब आमिर खान को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, तो उन्हें इस फिल्म की कहानी और कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा पसंद आए थे कि वो तो इस रोल की तारीफ करे बिना खुद को रोक ही नहीं पाए, लेकिन डेट्स ना होने के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया। नंबर पांच, सलमान खान। इस कड़ी में आखिरी नाम अभिनेता सलमान खान का आता है, जो कि आज बॉलीवुड में सबसे सफल अभिनेता माने जाते हैं, जिनकी हर एक फिल्म दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आती है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सलमान खान ने आज तक बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, और यही वजह है कि बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री को फिल्मों को करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तभी तो जब भी इन्हें किसी भी साउथ फिल्म का ऑफर दिया जाता है, तो वो उसे तुरंत ही ठुकरा देते हैं। अब वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस रोल में संजय दत्त की जगह कोई सा अभिनेता सबसे ज़्यादा अच्छा और परफेक्ट लगता? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।